ये एक आपके पास एक अच्छा होमवर्क भी हो सकता है कि आप इस एल्गोरिदम को जब एक ड्राई रन करके देखें, डिफरेंट आप कोई नेटवर्क ले लें छोटा सा, उसके ऊपर आप ये ड्राई रन करके देखें, तो इससे जो है वो आपके पास मॉड्यूलरिटीज भी आपको निकालनी पड़ेंगी, और फिर आप जो है वो देख भी लेंगे कि ये हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स आप देखेंगे कि रावास के मुकाबले में यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो आपके पास कम हो जाएंगे। तो हम लोग कोई भी एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं जो बेसिकली हमारे पास जो है वो मैक्सिमाइज करेगा एम को, मॉड्यूलैरिटी को, ठीक है। तो अब जैसे जेनेटिक एल्गोरिदम्स है ना, वो नेचुरली ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है उसके अंदर, वो जो सोल्यूशंस आ रहे होते हैं उनको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, इस तरह के ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो, या फिटनेस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग मॉड्यूलैरिटी को जो है वो जेनेटिक एल्गोरिदम का फिटनेस फंक्शन बना दें, ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर हम लोग जो है वो जेनेटिक एल्गोरिदम को रन करें, तो हमारे पास अगर मॉड्यूलैरिटी फिटनेस फंक्शन है तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या करेगा, ऐसी हमें कम्युनिटीज निकाल के देना शुरू कर देगा जिसके अंदर मॉड्यूलैरिटी वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने काम किया हुआ है कि जेनेटिक एल्गोरिदम को जो है वो यूज़ किया हुआ है कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करने के, और उसके अंदर मोस्टली जो है वो क्या किया गया है कि हमारे पास जो है वो मॉड्यूलैरिटी को जो है वो फिटनेस फंक्शन बना दिया। उसमें से एक जो काम है, पहले भी आपसे अनवर सईद जो है वो उनके मैं आपसे रिसर्च शेयर करता रहा हूँ, उन्होंने भी जो है वो यहाँ से एम फिल यूनिवर्सिटी की से किया था, और उन्होंने अपनी एम फिल में क्या किया था कि जेनेटिक एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए कम्युनिटी डिटेक्शन का जो है वो एल्गोरिदम जो है वो उन्होंने कम्युनिटी डिटेक्शन की थी। जेनेटिक एल्गोरिदम, ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ जेनेटिक एल्गोरिदम फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन, लेकिन उसके अंदर उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो किस तरह जनरेट की जाए कि हमारे पास कम स्टेप्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, एक ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इनिशियल पॉपुलेशन कैसे जनरेट करनी है, और दूसरी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूटेशन के ऊपर थी कि म्यूटेशन इस तरीके से उन्होंने प्रपोज की थी कि उसके अंदर भी आपके पास कन्वर्जेंस जो है वो आपके पास जल्दी हो जाती है। ये उनकी एम फिल की रिसर्च थी, बाद में उन्होंने अप्लाइड सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग उसको जो है वो पब्लिश किया था। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास रावाज एल्गोरिथम की बेस पे कम्युनिटी डिटेक्शन हुई हुई है। ए जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सारी की सारी हमारे पास नोड्स जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मॉड्यूलैरिटी वैल्यू अगर हम लोग कंप्यूट किए बगैर भी देखें तो हमारे पास मॉड्यूलैरिटी यहाँ पे जीरो होगी। फिर दूसरा सेट ऑफ कम्युनिटी क्या है कि आपके पास दो कम्युनिटीज आ रही हैं, ठीक है। फिर सी जो है इसके अंदर भी आपके पास दो कम्युनिटीज ही हैं, के अंदर आपके पास जो है वो तीन कम्युनिटीज जो है वो आपके पास बन गई, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी है, तीन कम्युनिटी है, अगला नेचुरली हमारे पास डी को हम लोग आइसोलेट करेंगे तो चार कम्युनिटीज हो जाएंगी। तो इस तरह हम लोग अगर एक्स एक्सिस पे देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ कम्युनिटीज कितनी है, और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग उस सेट ऑफ कम्युनिटी के हम लोग मॉड्यूलैरिटी वैल्यू निकाल लें, तो वी कैन सी के हमारे पास वन जब कम्युनिटी है तो हमारे पास जीरो मॉड्यूलैरिटी है, टू कम्युनिटीज पे 0.3 के करीब मॉड्यूलैरिटी आ रही है, थ्री कम्युनिटीज पे हमारे पास 0.45 के करीब कुछ मॉड्यूलैरिटी आ रही है, एंड सो ऑन ना। और फिर हमारे पास जो है जैसे हम लोग थ्री और फोर पे हमें काइंड ऑफ हाईएस्ट मॉड्यूलैरिटी मिल रही है, और फिर फाइव ऑनवर्ड्स फिर मॉड्यूलैरिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग अपने नेटवर्क को देखें तो आप ये नेचुरली भी इसके अंदर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉय एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जीरो थ्री कम्युनिटीज़ हैं, ए बी सी एक होगी, डी ई एफ जी दूसरी होगी, एच आई जे के तीसरी होगी, ये और डी को अगर हम लोग आइसोलेट करते हैं ये चार कम्युनिटीज बना दें, ए बी सी एक हो के, डी दूसरी हो के, बाकी तीसरी चौथी हो गई, तो नेचुरली भी आप देखेंगे तो ये तीन या चार जो हमारे पास कम्युनिटीज बन रही हैं ये हमारे पास बेस्ट जो है वो कम्युनिटीज हमें विजुअली लगती हैं कि हाँ ये जो है वो हमारे पास सेंस बनती है इन कम्युनिटीज को बनाने का, और उन्हीं के लिए हमारे पास मॉड्यूलैरिटी वैल्यू जो है वो हमें हाई मॉड्यूलैरिटी वैल्यू जो है वो मिल रही है, ठीक है। मॉड्यूलैरिटी को जो है वो जी इसे लेस लेट्स रख ले काइंडली सर। जी इस केस में अगर हम ग्राफ में 10 को देख ले, जैसे जहाँ पे हमने 10 कम्युनिटीज लिए तो उसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस केस में जी अगर देख ले हमारे पास 11 नोड्स है, 11 नोड में से अगर 10 कम्युनिटीज हम ले लें तो उसमें सिर्फ दो नोड जैसे होंगे जिसमें कनेक्शन होगा, सर इसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे आएगी फिर सर? नहीं, नेगेटिव तो हो सकती है ना, क्योंकि उसके अंदर आपके पास देखें ये नहीं है कि आपके पास फर्ज करें जे के आपके पास जो है वो एक कम्युनिटी आ गई ना, बाकी सारी जो है आपके पास इंडिविजुअल कम्युनिटीज बन गई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जब आप बाकी उनकी कम्युनिटीज़ के लिए आप निकाल रहे होंगे, तो आपके पास जो है वो हर कम्युनिटी के लिए ए आई जे जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा हर एक के लिए। तो बाकी सारी कम्युनिटीज़ के लिए तो आपके पास ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो होगी, जबकि पी आई जे की वैल्यू आपके पास जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए आपके पास जो मॉड्युलैरिटी, बाकी सारी कम्युनिटीज़ के मॉड्युलैरिटी आ रही होगी, वो आपके पास नेगेटिव में आ रही होगी। सिर्फ ये एक हो जाएगा ना पेयर जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव आएगी, वो जो डिफरेंस है ए आई जे माइनस पी आई जे का, सिर्फ एक पेयर के लिए जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा, बाकी सारों के लिए नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल जब आप उसे ऐड करेंगे तो यू वुड गेट अ नेगेटिव मॉड्युलैरिटी, ठीक है। और अगर फिर आप इसको भी जो है वो आप अलहदा बना देते हैं तो और ज़्यादा आपके पास मॉड्युलैरिटी वैल्यू कम हो जाएगी। इवन वर्स्ट आप ऐसी कम्युनिटीज़ बना लें ए ई जे, ये ए कम्युनिटी बन गई आपके पास, ठीक है, फिर बी डी एफ ये दूसरी कम्युनिटी बना गई, तो इसके अंदर आपके पास मॉड्युलैरिटी वैल्यू और कम हो जाएगी। मतलब ये तो माइनस पॉइंट वन या माइनस पॉइंट वन से कम वैल्यू है आपके पास, वो तो आपके पास शायद माइनस पॉइंट टू माइनस पॉइंट थ्री तक चली जाए। अच्छा, ये हमारे पास एक ये उसकी हमारे पास जो ग्रीडी मॉड्युलैरिटी है, जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो जब मॉड्युलैरिटी का इंक्रीज हम लोगों ने करना है, हमारे पास एल लिंक्स हैं, तो ये ऑर्डर एल में हमारे पास हो जाएगा। बेसिकली हर लिंक की बेस पे आपने देखना है ना कि दो कम्युनिटीज़ को आपने मर्ज करना है या नहीं, तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डर एल में आपके पास ये काम हो जाएगा। मैट्रिक का अपडेट जो है वो आपके पास ऑर्डर एन में हो जाएगा, और एन माइनस वन कम्युनिटी आपके पास मर्जर्स होंगे तो ये आपके पास ऑर्डर एल प्लस एन में हो जाएगा। अब अगर आपके पास स्पार्स नेटवर्क है तो यू नो कि आपके पास जो एल है, ये जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं इस स्पार्स नेटवर्क के अंदर, ये आपके पास एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो एन प्लस एन टू एन टाइम्स एन टू एन स्क्वायर एसिम्प्टोटिक्स में वो हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वायर हो जाएगा फॉर स्पार्स नेटवर्क। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल जो है ये आर्काइव का, आपको पता है कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, आर्काइव डॉट ओ आर जी नाम सुना है, उसने कहा है नाम सुना है, पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं और बाकी से रिसोर्सेज भी मिलते हैं सिर्फ पेपर्स के लिए। ये प्री प्रिंट सर्वर इसको हम लोग कहते हैं। होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं, जिस तरह एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस होगी, अप्लाइड फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस होगी, जिसके अंदर आपके पास जो है ना वो रिजल्ट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती हैं और एक ही एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही होती हैं या एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कोई पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, कोई बाद में आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब जो पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, अब उसने उस चीज़ को पब्लिश करना है, ठीक है। अब अगर वो नॉर्मल जो जर्नल पब्लिकेशन का जो एक साइकिल है उससे अगर गो थ्रू करते हैं तो इट कैन टेक एटलीस्ट फ्रॉम लाइक टू मंथ्स अप टू लाइक टू ईयर्स, ठीक है। एक एक जर्नल में जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो वो मतलब इतना टाइम उसके अंदर आराम से लग जाता है। अब अगर वो इसके ऊपर रहते हैं कि जी हम लोग जो है वो जर्नल के अंदर अपने रिजल्ट्स को सबमिट कराएं और पब्लिश करें, तो हो सकता है वो दो साल के अंदर कोई और रिसर्चर जो है उन्हीं रिजल्ट को, जिसने बाद में रिजल्ट्स निकाले, वो उसके रिजल्ट्स पहले पब्लिश हो जाए। तो फिर उसके लिए हमारे पास प्री प्रिंट सर्वर्स होते हैं। इसके अंदर से आर्काइव जो है आई थिंक सबसे बड़ा प्री प्रिंट सर्वर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। प्री प्रिंट सर्वर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप अपना पेपर जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो एक इनिशियल क्वालिटी असेसमेंट के बाद वो विद इन मतलब अ डे और अ कपल ऑफ डेज वो ऑनलाइन आ जाता है, मतलब फौरन इमीडिएटली इट बिकम्स ऑनलाइन। उसका रिव्यू नहीं हुआ होता, दैट मीन्स कि आर्काइव पे आपको बहुत अच्छे पेपर्स भी मिलेंगे, बहुत बुरे पेपर्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो रिव्यूइंग के प्रोसेस से नहीं गुजरते, ठीक है। एक 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 बड़ा बेसिक सा उसके अंदर क्वालिटी असेसमेंट होती है, वो जो आर्काइव जो वेबसाइट है उसी की टीम जो है उसको वो मैनेज कर रही होती है, लेकिन यह है कि आपका पेपर जो है फौरन पब्लिश हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्री प्रिंट सर्वर। और ये जो आर्काइव है या जो प्री प्रिंट सर्वर्स होते हैं, ये अपने पास कॉपी राइट्स नहीं होल्ड करते। दैट मीन्स कि जो चीज़ आपने आर्काइव पे पब्लिश की है वो आप बाद में किसी और जर्नल के अंदर भी पब्लिश कर सकते हैं, और बाकी जो जर्नल्स होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जर्नल्स दे डू एग्री कि अगर आपने प्री प्रिंट सर्वर पे अपना पेपर पब्लिश किया हुआ है और आप उसे हम लोगों के जर्नल में पब्लिश कर लेते हैं तो दैट इज़ फाइन। हाँ, जर्नल में पब्लिश होने के बाद आप प्री प्रिंट पर नहीं पब्लिश करेंगे, क्योंकि तब जर्नल के पास राइट्स चले जाते हैं उसके, लेकिन जर्नल में पब्लिश करने से पहले आप प्री प्रिंट पर कर सकते हैं। तो फिर जो ऐसे जो फील्ड्स होती हैं, अप्लाइड फिजिक्स हो गई,
आपके पास केमिस्ट्री की आपके पास होगी, एस्ट्रोनॉमी की होगी, इस तरह की जो आपके पास फील्ड्स होती हैं, इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे ही लोगों के पास रिजल्ट्स आते हैं वो फौरन उसको कंपाइल करके प्रीबिल्ड सर्वर पे रख देते हैं और फिर साथ उसे किसी जर्नल में जो है वो जमा करवा देते हैं। तो ये जो एक एग्जाम्पल ली हुई है ये इसके अंदर जो है आर्काइव के ऊपर जो है वो कम्युनिटी डिटेक्शन की हुई है, उसके अंदर फिजिक्स से रिलेटेड जो पेपर्स हैं उनको जो है वो उनके ऊपर कम्युनिटी डिटेक्शन की हुई है, ठीक है। तो उसके आपके पास आप इस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपके पास इसके अंदर बड़ी डिटेल जो है ना वो टॉपिक्स है, इवन आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर नेटवर्क्स मिलेगा, नेटवर्क्स मिलेगा, एल्गोरिथम्स मिलेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मिलेगा, उसके अंदर विद इन मतलब दो ब्रांचेज आपके पास उसके अंदर सब फील्ड्स मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या किया रिसर्चर्स ने कि जो हमारे पास आई गेस को ऑथर्स की बेस पे जो आर्काइव के ऊपर जिन्होंने ये प्रीप्रिंट सर्वर के ऊपर अपने पेपर्स पब्लिश किए हुए थे, उसके अंदर फिजिक्स के अंदर जिन लोगों ने पेपर्स पब्लिश किए थे वो वाले पेपर्स इन्होंने पिक किए और उसके ऊपर कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम रन किया। तो आपको पता है हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन है, तो आप एक जो आपके पास कम्युनिटी है उसकी आपको सब कम्युनिटीज भी आपको उस हायरार्की से जो मिल जाएंगी। तो इनके पास जो बेस्ट मॉड्यूलैरिटी मिली उसके अंदर अब ये वो है जो कम्युनिटी डिटेक्शन से रिजल्ट्स मिले, और फिर आपके पास हर पेपर का अपना जो सब्जेक्ट एरिया है वो भी आपके पास गिवन है। तो इसके अंदर जो 93% आपके पास ऑथर्स थे देवर वर्किंग इन कंडेंस मैटर, ठीक है। और आपके पास ऑफ कोर्स मतलब एक ऑथर हो सकता है आपके पास कंडेंस मैटर में भी काम कर रहा हो, हाई एनर्जी फिजिक्स में भी काम कर रहा हो, एस्ट्रोफिजिक्स में भी काम कर रहा हो, तो आपके पास ये एक्सक्लूसिव नहीं होंगी आपके पास परसेंटेज। तो 93% जो अच्छा जो सबसे बड़ी कम्युनिटी मिली थी वो हमारे पास उसके अंदर 13,000 नोड्स थी, ठीक है। और उन 13,000 नोड्स के अंदर से 93% नोड्स जो है वो कंडेंस मैटर की थी, ठीक है। मतलब कोहेसिव ग्रुप है ना, कि एक आपको ऐसी कम्युनिटी मिल गई जो एक जिसके अंदर जितने भी ऑथर्स हैं वो एक एरिया से या जितने भी उसके अंदर पेपर्स हैं वो एक एरिया से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज कंडेंस मैटर। ये आपके पास जो है वो बड़ी आपके पास एक डेंस काइंड ऑफ मतलब एक टॉपिक के ऊपर आपकी कम्युनिटी मिल गई। अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने पेपर्स को के ऊपर कम्युनिटी डिटेक्शन की, ठीक है। अब एक कम्युनिटी के अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे कंप्यूटर साइंस के पेपर की आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी, आपके पास बायो की आपको दूसरी कम्युनिटी मिल जाएगी, केमिस्ट्री की आपको तीसरी कम्युनिटी मिल जाएगी, सब मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिल जाएंगी, हर कम्युनिटी के अंदर उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो आपके पास पेपर्स होंगे। तो इन्हें सबसे बड़ी जो कम्युनिटी मिली उसके अंदर 93% पेपर्स जो है वो कंडेंस मैटर के थे। सेकंड जो लार्जेस्ट कम्युनिटी थी उसके अंदर 87% हाई एनर्जी फिजिक्स के पेपर्स थे या ऑथर्स उस एरिया से जो है वो बिलोंग कर रहे थे। इसी तरह आपके पास जो है वो बड़ी कोहेसिव किस्म की जो है कम्युनिटीज मिली, एक कम्युनिटी के अंदर जो भी पेपर्स थे जो रिसर्चर्स थे वो आपके पास एक सब्जेक्ट एरिया से जो बिलोंग कर रहे थे। ये चार सबसे बड़ी कम्युनिटीज हैं विद इन मतलब इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी कम्युनिटीज मिली, 600 जो है वो इसके अलावा कम्युनिटीज जो है वो आपके पास और थी, ठीक है। ऑफ कोर्स बहुत सी इसके अंदर कम्युनिटीज होंगी जिसके अंदर एक नोड होगी या दो नोड होगी या चार नोड होंगी, तो ऐसी आपको बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज भी आपको मिलेंगी। इसके अंदर अगर आप एक कम्युनिटी को जूम इन करें मतलब उसकी सब कम्युनिटीज देखें तो यहाँ पे फिर आपके पास जो है वो इसके अंदर फिर आपको जो है वो कम्युनिटीज मिली, कोई आपके पास बड़ी कम्युनिटीज मिली, कोई आपके पास छोटी कम्युनिटीज मिली, और उसके अंदर फिर एक छोटी सी कम्युनिटी को इन्होंने जूम इन करके दिखाया हुआ है कि उसके अंदर आपके पास जो है वो 28 सिंगल रिसर्च ग्रुप वर्टिसेस हैं वो उस एक सब कम्युनिटी के अंदर काइंड ऑफ एक सब कम्युनिटी थी जिसके अंदर एक रिसर्च ग्रुप था, ये एक रिसर्च ग्रुप है, ठीक है, ये दूसरा रिसर्च ग्रुप है, तीसरा रिसर्च ग्रुप है। तो इस तरीके से हम लोग कम्युनिटी डिटेक्शन करके, और अगर हायरार्किकल कम्युनिटी डिटेक्शन है तो हम लोग कम्युनिटीज के आगे सब कम्युनिटीज के अंदर जाके जो है वो हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल थी, एक एप्लीकेशन थी कम्युनिटी डिटेक्शन को टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क विद ईच अदर, या हमारे पास अगर साइटेशन नेटवर्क की बात करें तो कैसे हम लोग जो है वो अब ये जो अगर साइटेशन नेटवर्क की बेस पे हमारे पास साइटेशंस की बेस पे अगर ये नेटवर्क हमारे पास निकाला गया है तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो पेपर के कंटेंट्स को नहीं देखा गया, सिर्फ ये देखा गया किस कौन सा पेपर किसको साइट कर रहा है। उसके बावजूद हमारे पास काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग है, अगर आप इसे साइटेशन नेटवर्क को देख लें तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग है, ठीक है, कि आपके पास जो है वो एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपके पास पेपर्स हैं वो आपके पास एक कम्युनिटी में आ गए। और इनफैक्ट आपके पास कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो आपके पास टिपिकल जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर जो क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपके पास
रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के लिए भी जो है वो हम लोग इसको कम्युनिटी डिटेक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर ये कम्युनिटी मर्जेस में जो हमारे पास ओ प्लस एल इंटू एल ओ एल प्लस एन इंटू एन आई है सर, इसको आपने थोड़ी देर पहले ज़रा रिजॉल्व किया था सर, वो काइंडली ज़रा कर ले। इसके अंदर जो है वो हमारे पास जब कम्युनिटीज़ को मर्ज कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होगा कि जो मर्जेस हैं वो हमारे पास लिंक्स की बेस पे हैं, ठीक है। और वर्स्ट केस में हमारे पास हर नोड जो है वो एक डिफरेंट कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग कर रही है, ठीक है। ये मतलब वर्स्ट केस की हम लोग बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स जैसे जैसे हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज़ बड़ी होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी। तो हमारे पास जो 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 वर्स्ट केस है या जो एक्सट्रीम केस है उसके अंदर हमारे पास जो है जो कम्युनिटीज़ को मर्ज करना होगा वो हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं नेटवर्क के अंदर प्लस नंबर ऑफ नोड्स कितनी है टाइम्स नंबर ऑफ नोड्स कितनी है एक नेटवर्क में ना। तो अगर आपके पास जो है वो एक स्पार्स नेटवर्क होगा, स्पार्स नेटवर्क में आपको पता है कि नंबर ऑफ नोड नंबर ऑफ लिंक्स जो होती हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, मतलब कितने हो जाएंगे आपके पास जितनी नोड्स हैं उसे डबल लिंक्स हो जाएंगे, उसे ट्रिपल लिंक्स हो जाएंगे। अगर फेसबुक की बात करें तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो जाएंगे, 100 टाइम्स द नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब स्टिल मतलब इट इज़ इन इन इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ एन। तो स्पार्स नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास एल जो है वो हमारे पास एन के इक्वल होगा। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्डर स्पार्स नेटवर्क्स के लिए हमारे पास ऑर्डर एन प्लस एन टाइम्स एन, ठीक है। और ये फिर हमारे पास बन जाएगा ऑर्डर टू एन टाइम्स एन, ये ऑर्डर टू एन स्क्वेयर बन जाएगा और टू एन स्क्वेयर जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन के इक्वल होता है, ठीक है। ये दिस इज फॉर स्मॉल स्पार्स नेटवर्क्स, ठीक है। समझ गया, थैंक यू सो मच।